इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई दफा आया हुआ है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी आप जो बाइंग सेलिंग और चेंजिंग प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। उसके सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सर्विसेज हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई शॉपिंग। देखिए ये चैप्टर आसान इसलिए भी है, एप्लीकेशन और यूजेस क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं और हम चूंकि खुद कंप्यूटर के यूजर हैं, हम मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम बड़े आसानी से ये देखे ना, ई मेल आप यूज करते हैं, ईमेल आप परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आप क्या कहते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेजिंग सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं वो आपकी ईमेल कहलाती है। इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसे आसान लफ्जों में बात करें तो एक से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो कॉल करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद ई शॉपिंग, आपसे ज्यादा ई शॉपिंग कौन करता होगा? मेनी बिजनेस नाउ हैव वेबसाइट दैट अलाउ इंटरनेट यूजर टू बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज। शॉपिंग कैन टेक प्लेस यूजिंग अ कंप्यूटर एट होम, हम अपने घर के दरवाजे पर चीजें खरीद ले रहे हैं और उसे वाया अपना क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी जो उसे पे कर देते हैं। उसके बाद है व्हाट यू नो अबाउट ई बैंकिंग, जिसे साइबर बैंकिंग, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन साइबर बैंकिंग के नाम से भी आता है तो ये आपने याद रखना है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। आप हर तरह की जो है ट्रांजेक्शन, अपना बिल पे कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, किसी को पैसे भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही कर रहे हैं।